हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वास्तु टिप्स एंड टॉक्स है वो नैऋत्य कोने पे जो हम वहाँ पे वॉश बेसिन रखते हैं या वॉशिंग मशीन रखते हैं यहाँ पे, या फिर वहाँ पे वो कोई सिंक लगाते हैं, तो नैऋत्य कोने के अंदर पृथ्वी तत्व के अंदर अगर हम कोई भी पानी का सोर्सेस वहाँ पे लगाते हैं, जैसे कोई टेप लगा दी, कोई नल लगा दिया, वहाँ पे कपड़े धोने की मशीन लगा दी या कपड़े धोने का स्थान बना दिया, बर्तन मांजने का स्थान बना दिया, तो इससे हमारे वास्तु के अंदर और हम पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्यों नैऋत्य जो कोण है वो पृथ्वी तत्व का कोण है। वहाँ पे पृथ्वी यानी अर्थ एलिमेंट, और जहाँ पे हम वहाँ पे नल लगाते हैं तो नल में से हमेशा पानी की प्राप्ति के लिए हम नल लगाते हैं। और जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे बर्तन मांजते, कपड़े धोते या वॉश बेसिन की यूज़ करते, वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो हमें एलिमेंट चाहिए वो वाटर एलिमेंट चाहिए। तो वास्तु के जो पंच तत्व एलिमेंट की, पंच तत्व की साइकिल की हम बात करेंगे, तो अगर आपके घर के अंदर नैऋत्य कोण के अंदर समझो कि कोई टैप है, बाथरूम है, या फिर शौचालय है, या फिर समझो कि वॉशिंग मशीन है, वॉश बेसिन है, सिंक है, या कपड़े धोने का कोई स्थान है, वॉशिंग मशीन पड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा जहाँ पे पानी की खपत लगती है, अगर वहाँ का जो पानी प्राप्त होने वाले का जो नल है, अगर नल वो लीकेज है, तो समझना आपके घर के अंदर एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट होगा। तो अर्थ एलिमेंट से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, अगर समझिए कि आपके घर के अंदर अर्थ एलिमेंट बैलेंसिंग में है, यानी बैलेंस है, तो आपके जीवन के अंदर आपकी स्टेबिलिटी रहेगी, आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, और आपको जो आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिलनी चाहिए, जो घर से आपको जो आगे बढ़ने का पावर मिलना चाहिए, वो सब जो घर में है वो सब फायदे आपके निकल जाएंगे। क्योंकि क्या होगा, पानी अर्थ एलिमेंट पर अगर पानी गिरेगा तो हमेशा पानी की मात्रा, समझो कि वहाँ का टेप लीकेज है, तो धीरे धीरे 24 घंटे पानी वहाँ पे लीकेज रहता है, तो वो एक साल, दो साल, तीन महीने, छः महीने, तो जो अर्थ एलिमेंट की जो क्वांटिटी है उससे ज़्यादा हमारा पानी वेस्टेज होता है, यानी वहाँ की जो स्टेबिलिटी है, वहाँ का जो गुणधर्म है वो वहाँ से निकल जाएगा, वो एंटी एक्टिविटी हो जाएगी, जिससे आपके घर के अंदर बहुत बड़ा वास्तु दोष का फेस करना पड़ेगा। रिलेशन भी डिस्टर्ब होंगे, हेल्थ भी डिस्टर्ब होंगी। रिलेशन में अगर आपके घर के अंदर कोई लड़के शादीशुदा है या उनकी शादी करना चाहते हो, अगर मैरिड है तो मैरिड में भी आफ्टर मैरिज जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, या फिर आप नए अवसर प्राप्त करते हो हमारे लड़के लड़की के लिए कि अभी अब इसको अच्छी जगह, अब ये उम्र लायक हो गए, इनकी अच्छी जगह मैरिज करें, तो वहाँ पे टपकता हुआ नल लीकेज टेप आपको बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान करेगा और आपके घर के अंदर बहुत बड़ा वास्तु दोष होगा। यानी कहने का भावार्थ है कि आपके घर के अंदर नैऋत्य कोण के अंदर कोई भी टेप या नल लगा हुआ है और वो लीकेज है, तो उसकी तुरंत मरम्मत कराइए, टेप चेंज कर दीजिए या उसको वहाँ से बंद करा दीजिए। अगर वहाँ से बंद करा रहे कि आपके पास फैसिलिटी है तो वहाँ पे पानी का स्रोत हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसकी पंच तत्व की रेमेडी आप हमारी इस व्हाट्सएप पे हमें कॉल करके कोई भी एक रेमेडी प्राप्त कर लीजिए। क्या उसका सुधार करना है, क्या करना है, हम आपको तुरंत बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये आज की वास्तु टिप्स एंड टॉक्स अगर पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को तक ये चैनल पहुँचाइए, जिससे उनके घर के अंदर नैऋत्य कोण संबंधित कोई भी समस्या है, वास्तु के अकॉर्डिंग या और कोई भी समस्या है, तो उनको उनका निदान मिलेगा और निदान मिलने से वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकेंगे। थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।